नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी जीके के क्वेश्चन देख रहे हैं जो फॉरेस्ट गार्ड में आए हुए हैं, और ये हमारे थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे तो आप वीडियोज में जाके वहाँ पर देख पाओगे। ये दरअसल 18 जुलाई 2017 को एग्जाम हुआ था, और एक दिन में जो है वो 3 शिफ्ट कराई गई थी, तो उन्हीं से संबंधित हम प्रश्न देख रहे हैं। 20 क्वेश्चन जो है वो जीके से पूछे जाते हैं, जिसमें जो है वो आपको एमपी जीके हो गया, करंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं और मिसलिनियस हो गया। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन है, यहाँ पर आसान सा प्रश्न है कि सिंहस्थ जो कुंभ का मेला है, ये मध्य प्रदेश के किस नदी के किनारे लगता है। कई बार मैंने आपको बताया है, ऑप्शन है यहाँ पर चंबल, क्षिप्रा, ताप्ती और तवा। तो कुंभ का मेला, देखिए पूरा आपको याद रखना है, सिंहस्थ कुंभ मेला बात की जाए तो ये लगता है आपको उज्जैन में। उज्जैन में लगता है किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, भारत में जो है वो 4 जगह लगता है 12 साल का अंतराल के बाद जो लगता है। पिछली बार जो लगा था यहाँ पर 2016 में लगा था, ठीक है, 12 का अंतर देखा जाए तो ये अब की बार जो लगेगा 2028 में लगेगा। भारत में 4 जगह है, देखिए एक तो यही हो गया उज्जैन में, दूसरी जगह नासिक में, तीसरी जगह इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ठीक है, और चौथी जगह जो है वो हरिद्वार में लगता है, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है, और जो प्रयागराज है वहाँ पर गंगा का है, नासिक में गोदावरी के पास लगता है, और मध्य प्रदेश में बात की जाए तो सिंहस्थ मेला क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्षिप्रा नदी जो है वो इंदौर की काकरी बर्डी से निकलती है, तो ये भी पूछा जाता है, और किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। तो क्षिप्रा नदी जो है वो, क्षिप्रा नदी बात की जाए तो किसकी? चंबल, चंबल की सहायक नदी है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेठ घोघरा का मेला जो है, ये आप देखोगे कि कितने दिन तक चलता है मेठ घोघरा का मेला। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 हो गया, 13 हो गया, बात की जाए 14 हो गया या 16 हो गया। तो इसकी अगर हम बात करें तो मेठ घोघरा का मेला जो है ये 15 दिन तक जो है वो लगता है, और मध्य प्रदेश में बहुत सारे मेले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे बहुत सारे मेले, तो आपको बता ही दिए थे मैंने, तो उन सभी को भी आपको याद रखना है। और इसकी बात की जाए तो 15 दिन तक जो है वो ये आयोजित किया जाता है। देखिए कुछ और मेले में आपको बता दूं, जैसे कि आपको जो सिंहस्थ का मेला है ये तो आपको पता ही है कि कहाँ पर लगता है, बता ही चुके हैं उज्जैन में, ठीक है। और बात की जाए जो जैसे आपने देखा होगा कि हीरा भूमिया का मेला है, तो हीरा भूमिया का मेला आपको देखने को मिलेगा ग्वालियर के आसपास, ठीक है, ग्वालियर के आसपास देखने को मिलेगा आपको। ग्वालियर में बात की जाए तो जैसे आपको दतिया भी देखने को मिल जाता है, तो हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में देखने को मिलेगा। और बात की जाए, एक संत सिगाजी का मेला है, सिगाजी का मेला ये खंडवा साइड लगता है, खंडवा खरगोन में देखने को मिलता है ये। देखिए किसी किताब में खरगोन भी लिखा हुआ है, किसी किताब में खंडवा भी लिखा मिला है, तो अगर दोनों ऑप्शन में मिले तो आप खरगोन की तरफ मूव कर जाना, अगर एक मिले तो आप खंडवा और खरगोन में से कोई भी लगा देना, और ठीक है याद रखना है। और देखिए ये मठ घोघरा का मेला है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इसको बता दिए मैंने 15 दिन तक लगता, पर ये लगता कहाँ है ये बहुत जरूरी है, तो ये लगता है कहाँ पर? सिवनी में, सिवनी में जो है भी आयोजित होता है, 15 दिन के लिए लगता है। और भी है, बरमान घाट का मेला हो गया तो नरसिंहगढ़ में लगता है, पीर बुधन का मेला हो गया शिवपुरी में देखने को मिलता है, नागाजी का हो गया, तो ये आपको बात की जाए यहाँ पर पालतू जानवर जो बोली जाती है तो मुरैना के पोरसा में जो है आयोजित किया जाता है, हीरामन बाबा का मेला हो गया, ठीक है, ग्वालियर में आयोजित होता है, तेजा जी का मेला हो गया गुना में आयोजित होता है, तो इन सभी याद रखना है, मेलों से जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पचमढ़ी, निम्न में से कौन से पर्वत श्रृंखला में स्थित है? विंध्य, अरावली, सतपुड़ा और मालवा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, बात की जाए थर्ड ऑप्शन, सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो चोटी है, या बात की जाए एमपी की, ये पचमढ़ी में ही देखने को मिलती है, पचमढ़ी में कौन सी है? धूपगढ़, धूपगढ़, ठीक है, 1350 जो है इसकी मीटर लंबाई है, धूपगढ़ जो है, सतपुड़ा जो है इसका आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा में एक नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क इसी के नाम से रखा गया है, होशंगाबाद में, पचमढ़ी भी होशंगाबाद में पड़ती है, तो ये सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत देखने को मिलती है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, विश्व की
विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ये बात की जाए तो अरावली है। मालवा पर पठार की बात की जाए, मालवा की बात की जाए तो उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है और बिंद आपको देखने को मिलेगी, जो हमारी भीमबेटका रायसेन वाला क्षेत्र है वहां पर जो है वो बिंद सेन है। तो इन सभी के बारे में याद रखना है आपको। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर नरेंद्र कृष्णा कर्माकर एक प्रसिद्ध थे, कसरत कोच पुरातत्व धनुषकारी और गणतज्ञ, तो इसका आंसर हो जाएगा ये गणतज्ञ थे, ठीक है। तो फेमस पर्सनैलिटी जो हुए हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे कि अपने यहाँ मध्य प्रदेश में एक लक्ष्मण शंकर करके नाम है, तो वो क्रिकेट वो हॉकी से संबंधित है, उनका जन्म इंदौर में हुआ था। तो ये कई बार काफी क्वेश्चन जो है वो अभी करंट में देखने को मिला है और पूछा भी गया था अभी कॉन्स्टेबल में। नेक्स्ट यहाँ पर कान्हा को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, 1973, 1965, 1968, 1972। इसका आंसर दरअसल इसमें गलत दिया हुआ है, जो कान्हा टाइगर ये प्रोजेक्ट टाइगर में जो शामिल किया गया था वो किया गया था 1974 में। 1973 में तो भारत में लाया ही गया था प्रोजेक्ट टाइगर, और 1974 में जो है वो जागर किया गया था। अगर इसमें से ऑप्शन लगाएंगे तो 73 लगा देना है, ठीक है, क्योंकि 73 में वैसे लाया गया था, 74 में इसको शामिल किया गया था। कान्हा जो है वो 1955 में जो है ये बना था, ठीक है, बना था कान्हा नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये किस जिले में है, किस जिले में जो है स्थित है कान्हा नेशनल पार्क, बारहसिंगा के लिए जाना जाता है। इसकी बात की जाए तो भूर सिंह जो है इसका शुभंकर है, तो ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो बात की जाए तो कान्हा नेशनल पार्क है, ठीक है। अभयारण्य की बात की जाए तो सबसे बड़ा अभयारण्य जो है वो नौरादेही अभयारण्य है, सबसे छोटा रारामंडल है, फोसिल जो नेशनल पार्क है वो सबसे छोटा है। अगले पृष्ठ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजिडी कौन से वर्ष में हुई थी, 1973, 1981, 1978, 1984, तो इसका आंसर हो जाएगा 1984 में, 2-3 दिसंबर को 1984 में जो है वो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी। इसमें मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, और जो कंपनी थी, कंपनी कौन सी थी, यूनियन कार्बाइड करके लिमिटेड कंपनी थी, और उस समय जो सीएम थे वो कौन थे मध्य प्रदेश के, अर्जुन अर्जुन सिंह, ठीक है, अर्जुन सिंह। और सबसे छुटकारा पाने के लिए ऑपरेशन फेथ जो चलाया गया था, ऑपरेशन फेथ जो है चलाया गया था भोपाल गैस ट्रेजेडी में मदद करने के लिए, तो ऑपरेशन फेथ जो है चलाया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। मिसाइल आइसोसाइनाइड ये मोस्टली पूछ ली जाती है, कौन सी कंपनी थी, ज्यादा डिटेल में होगा तो ये वाला पूछ लिया जाएगा, बाकी 2-3 दिसंबर ये डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर लाल जी का किला, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लाल जी का किला, लाल जी का किला, कटनी, नीमच, बालाघाट या मंदसौर, तो ये आपको बालाघाट में देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, बालाघाट में बात की जाए तो सबसे ज्यादा लिंगनपाद देखने को मिलता है, ठीक है, बालाघाट में इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बना था, 1956, 1962, 1947 या 1986, तो ये आपको देखने को मिला था 1956 में जो है वो बात की जाए तो भोपाल जो है वो राजधानी बनी मध्य प्रदेश की, उससे पहले जो है वो नागपुर हुआ करती थी, तो याद रखना है भोपाल। और जो है वो 2001 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, और बात की जाए 1 नवंबर 2000 को ही जो है वो छत्तीसगढ़ जो है वो बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर, छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था मध्य प्रदेश से अलग होकर के, ओके। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, याद रखना है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1956 यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कालिदास समारोह ये मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, आइजोन, तो ये आपको देखने को मिलेगा उज्जैन में। उज्जैन में जो है वो कालिदास समारोह का आयोजन होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कालिदास समारोह जो है वो आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा, विक्रम विश्वविद्यालय भी आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा, ठीक है, महाकाल की नगरी के नाम से जानते हैं उज्जैन में, कालियादेह हो गया, तो ये भी आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। काफी पर्यटन स्थल भी है यहाँ पर, ठीक है, जंतर मंदिर तो आपको जो है वो यहाँ पर उज्जैन में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, एक तो दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश की किस जगह है, यह दरअसल देश का पहला मानव संग्रहालय बना था मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर बात की जाए यह है
में जो है स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, भोपाल जो है इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान जो कि जनगण मनायक है, ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति कौन थे, तो इनका नाम याद रखना है रत्नेश पांडे। रत्नेश पांडे जो थे, ये मिसलिनियस से क्वेश्चन पूछा गया, जो बात की जाए लूसेंट में पिछला जो पोर्शन होता है विविधता जिसे बोलते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रीय गीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है वो लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश में मूल बोली नहीं है, इसमें से कौन सी बोली जो है बोली नहीं जाती, कोरकू, ब्रजभाषा, गोंडी या मैथिली, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली। मैथिली दरअसल जो है वो यह बोली नहीं बोली जाती है, और हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जो है उल्लेख है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल पूछ लिया है तो 343 में जो है वो भाषाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पर मध्य प्रदेश से अलग होने वाला 2000 में कौन सा राज्य बना था, तो अभी मैंने इसी में बताया था छत्तीसगढ़ जो है इसका आंसर हो जाएगा। 16 जिले जो है वो छत्तीसगढ़ में चले गए थे, 45 जिले जो है वो MP में बचे थे, ये छत्तीसगढ़ में चले गए थे। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का करण हाल ही में शुरू किया गया, तो ये उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ओके, तो करंट अफेयर्स में जो योजना है अभी की है वो आपको याद रखना है, वैसे इसका आंसर प्रथम चरण होगा, ठीक है, तो वैसे तो अभी आपको याद रखना नहीं है क्योंकि ये पुराना करंट क्वेश्चन, नया आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर रीवा कुंड जो है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, चंदेरी, खजुराहो, ओरछा और मांडू, तो ये मांडू में देखने को मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, मांडू में जो है वो रीवा कुंड है। मांडू थार में स्थित है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं, असरपी महल हो गया, रानी रूपपति महल हो गया, जहाज महल हो गया, बाज बहादुर महल हो गया, ये सब चीजें जो है वो मांडू में देखने को मिलती हैं, यहाँ से कई बार जो है वो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए इसमें पूछा गया है कि शहर इस्लामाबाद के कर्नल विलियम हेनरी स्लिमन से अपना नाम मिला, और वह निम्न में से किस दमन के लिए जाने जाते हैं, सहयोग आंदोलन, इनमें से कोई नहीं, विद्रोह और ठगी एक्टिविटी, तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। विलियम हेनरी जो दरअसल जो है ये ठगी गतिविधियों से जाना जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, यहाँ पर पेच बाग राष्ट्रीय उद्यान ये किस नाम से, किसके नाम पर रखा गया, पौराणिक राजा, पर्वत, परमेश्वर और नदी, तो नदी है दरअसल, पेच एक नदी है इसी से बहती है, तो पेच राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। वैसे इंदिरा गांधी पिकनिनी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं इसको, तो ये भी आप याद रखना है, और नदी के नाम पर ही रखा गया है पेच राष्ट्रीय उद्यान। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे हाल ही में बना जिला, तो ये अभी हाल ही में ज्यादा इसमें उस समय जो है वह आगर मालवा बना था, लेकिन अभी आपको याद रखना है, इसमें एक ऑप्शन हम मिटा देते हैं, चलिए ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है, और इसकी जगह हम लिख लेते हैं निवाड़ी, निवाड़ी, ठीक है, ये 52वां जिला, और 2 अक्टूबर 2018 को जो है ये बना, किससे अलग होके, टीकम गढ़ से अलग होकर के। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा गया है, कबूतर, ईगल, गिद्ध या दूधराज, तो दूधराज साहब बुलबुल जो है आपको देखने को मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। बारहसिंगा जो है वो आपको देखने को मिलेगा, हिरण है, बात की जाए टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को, राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है। राजकीय नदी आपसे पूछ लिया है तो नर्मदा नदी है, ठीक है, पुष्प पूछ लिया है तो सफेद लिली है, व्हाइट लिली, बरगद जो है वो बात की जाए तो वृक्ष हो जाएगा, तो इन सबको आपको याद रखना है। खेल हो गया, मलखम्ब, नृत्य हो गया, देखिए नाट्य और नृत्य, नाट्य जो है वो माछ है, और नृत्य जो है वो राई है, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर जो है ये राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय, ये कहाँ पर है, इंदौर में है, ठीक है, एवं देश का एवं राज्य का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है, तो दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसका अंतर हो जाएगा। ओके, तो उस समय जो है वो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा था। ओके, तो ये थे दोस्तों 20 प्रश्न जो कि आपको थर्ड चैप्टर में पूछे गए थे MP फॉरेस्ट गार्ड में, और आप लोग अगर टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिमिटेड है 50% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा आपको, सीधा सीधा परीक्षा डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, यहाँ पर टेस्ट में जाना है, टेस्ट में जाने के आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको देखिए MP फॉरेस्ट कार्ड दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करना है, पहला टेस्ट फ्री रहेगा,
ठीक है, ये 299 की है, इतना पे नहीं करना है आपको। याद रखना है GOV50 कोड यूज करोगे तो सीधा सीधा यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 149 रुपये में जो है वो टेस्ट सीरीज ले पाओगे, और यहाँ पर आप अपना रैंक वगैरह देख पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग टेस्ट देते हैं, तो यहाँ से आपकी रैंक कितना क्या आपका स्तर है वो सब यहाँ पर आप देख पाओगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश की जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी प्रॉपर तरीके से कराई गई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।